Good morning, friends. Today we discuss about class 12 mathematics. Topic is relation and function. As you know that the topic relation and function is too much hard for the students because they are thinking they are just much theory. This is the boring chapter for the students. But I think that I will introduce you how the topic relation and function much in the much easier way that you will get all the things. ठीक है? तो देखिए बेटा यहाँ पर हम लोग रिलेशन फंक्शन को यहाँ पर सीखने जा रहे हैं. इसमें जो दो बातें मेन आती हैं, एक तो इसकी टाइप्स ऑफ सेट्स और इसके बाद इसका फंक्शन. तो अभी फिलहाल हम जो बात करेंगे वो हम इसके टाइप्स ऑफ रिलेशंस के बारे में बात करेंगे. द टाइप्स ऑफ रिलेशंस आर गिवन बिलो एज इट इज गिवन हियर. द एम्प्टी रिलेशन, एम्प्टी रिलेशन के बारे में बताया जा रहा है कि अ रिलेशन इन अ सेट ए क्रॉस ए इज नोन एज एम्प्टी relation if no element of A is related any element of A cross A. Here the term A cross A. You know that about that this is the Cartesian product. What is this? This is the Cartesian product. हम जानते हैं कि ये होता है हमारा Cartesian product. Cartesian products की जो value होती है उसके बारे में आप लोग जानते हैं कि हम इसको solve करने के लिए generally A के एलिमेंट्स सपोज करिए 1, 2, 3 लिखे हैं और अगेन A के एलिमेंट 1, 2, 3 लिखे हैं, then the value of A cross A that means 1 will map to 1, 1 will map to 2, 1 will map to 3, again 2 will map to 1, 2 will map to 2, 2 will map to 3, again 3 will map to 1, 3 will map to 2, and 3 will map to 3. That means if a set A has 3 terms and another set A has also 3 terms, that means A is similar to A, then their products, their Cartesian products will get the 9 elements. How many elements? 9 elements will get. So, this is what I have to say that this relation A cross A, which is set A cross A, के अंदर कोई भी एलिमेंट ना देता हो. A relation in the set A cross A is known as empty relation if no element of A related any element of A cross A. यानी A cross A में से कोई भी एलिमेंट ना देता हो. थ्योरी पढ़ करके बच्चों को हो जाता है कि क्या लिखा है, क्या है, कौन किसमें मैच करा रहा है, कौन किसके अंदर जा रहा है, कुछ समझ नहीं. अभी देखते हैं एग्जांपल के अंदर. तो यहाँ पर इसको सिंबलाइज किया गया है कि R is equals to phi subset of A cross A. You know about the phi and the subset. Phi means empty elements इसमें होते हैं और subset that means जो ऐसा subset जो होता है वो बाकी supersets के अंदर include करने वाले elements रखता है. Example में हमने लिया है let's say set A equal to 1, 2, 3, 4, 5. हमने माना कि यहाँ पर एक set A के अंदर एक से लेकर 5 तक हमारे पास हैं. तो इसमें देखिए अगर हम इसका A cross A करते हैं, यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ, अगर हम इसका A cross A करते हैं तो what we get, हम यहाँ देखते हैं कि 1, 2, 3, 4, 5 का cross होगा 1, 2, 3, 4, 5 के साथ. इसका means ये हुआ कि 1, 1 से map करेगा, 1, 2 से map करेगा, 1, 3 से map करेगा, 1, 4 से map करेगा, 1, 5 से map करेगा, again 2, 1 से map करेगा, 2, 2 से map करेगा, 2, 3 से map करेगा, 2, 4 से map करेगा, 2-5 से करेगा, फिर 3-1 से करेगा, 3-2 से करेगा, 3-3 से करेगा, 3-4 से करेगा, 3-5 से करेगा, फिर 4-1 से करेगा, फिर 4-2 से करेगा, फिर 4-3 से करेगा, फिर 4-4 से करेगा, फिर 4-5 से करेगा, एंड द लास्ट 5-1 से करेगा, 5-2 से करेगा, 5-3 से करेगा, 5-4 से करेगा, 5-5 से करेगा. एक में कितने एलिमेंट है 5, अगले में कितने 5, कितने हो गए 5 25 सेट्स, 25 एलिमेंट्स का ये एक सेट बनेगा जिसे हम रिलेट कराएंगे. यानी कि 1 के साथ जा रहा है, 1-2 के साथ भी जा रहा है, 1-3 के साथ भी जा रहा है, ऐसे 25 टाइम्स के आपस में रिलेट कर रहे हैं. अब यहाँ पर देखिए कि अगर इस रिलेशन के बनने के बाद यानी कि 1-1, 1-2, 3-3, 4-4 के बनने के बाद कोई भी सेट ना बने जो इसके रिलेशन में आता हो तो वो एम्प्टी सेट है. जैसे हमारा एग्जाम्पल समझ सकते हैं आप, 1-2-3-4-5 एक सेट दे रखा है एंड R इज गिवन बाय ए रिलेशन A क्रॉस A में जो आएगा वो ऐसा है कि R इक्वल टू AB सच दैट A माइनस B इक्वल टू 1.
ए और बी इसी के एलिमेंट से निकलेंगे, जैसे समझ लीजिए कि ए क्रॉस ए करने के बाद जो सेट्स बनकर के आ रहे हैं, सपोज करो मैंने आपको यहां पर सेट दिखाया 1 क्रॉस 1, मतलब 1, 1.2, 1.3, ऐसे 2 से 2.1, 2.2, सपोज करें और सारे सेट में 25 एलिमेंट्स बनेंगे। अब ये जो एलिमेंट्स हमारे यहां पर बने हुए हैं, क्या इन किसी भी सेट के एलिमेंट्स को हम उठाएं, यानी कि सपोज करो मैंने पहले 1 ले लिया था, 1 3, तो हम यहां पर 1 माइनस 3 करते हैं तो क्या 20 आता है? नहीं। सपोज करिए मैंने 2 ले लिया और 5 ले लिया, मेरे पास 25 पेयर्स, कितने पेयर्स? 25 पेयर्स। मैंने 2 ले लिया और 5 ले लिया, तो 2 माइनस 5 करने पे क्या 20 आता है? इट इज नॉट इक्वल। अगेन मैंने सपोज करिए 4 ले लिया और 3 ले लिया, तो 4 माइनस 3 करने पे क्या 20 आता है? इट विल नॉट, नहीं आएगा। अगर ये नहीं आएगा तो इसका मींस क्या हो गया कि किसी भी तरीके से किसी भी ए के किसी भी एलिमेंट, ए के किसी भी दो एलिमेंट्स को एक साथ लेने पर और उनको सब्ट्रैक्ट करने पर यहां 20 नहीं मिलेगा। किसी के एलिमेंट 25 सेट्स बने हैं, उन 25 सेट्स में आगे पीछे करके कैसे सब्ट्रैक्ट करके देख लिया, लेकिन हमें 20 नहीं मिलेगा। जब 20 नहीं मिलेगा तो क्या होगा? दिस इज द एम्प्टी सेट, दैट इज आर इज इक्वल टू 5 सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। ए क्रॉस ए क्या है? दिस इज द ए क्रॉस ए। ए क्रॉस ए ये 25 पेयर्स है, इन 25 पेयर्स में से कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो हमारे इस रिलेशन को सेटिस्फाई करता हो, नहीं कर रहा, क्लियर? ठीक है। अब आता है सेकंड हमारा यूनिवर्सल रिलेशन। दिस इज फर्स्ट वन इज द एम्प्टी रिलेशन, सेकंड इज द यूनिवर्सल रिलेशन। इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ ए, दिस इंप्लाइज आर इक्वल टू ए क्रॉस ए, यानी कि यहां पर क्या हो रहा था कि आर इक्वल टू 5 सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, यानी कि कोई भी एलिमेंट नहीं बन रहा था, 25 के 25, 25 के 25 जो भी पेयर्स थे हम उसमें से एक भी एलिमेंट को नहीं गेन कर पा रहे थे, लेकिन यहां पर क्या कह रहा है कि सारे के सारे एलिमेंट्स जो भी उस सेट के अंदर कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंतर्गत आए हैं उन सभी में हमारा ये सेट बनेगा। ठीक है, अब देखते हैं एग्जांपल में, देखते हैं कि लेट द सेट ए 1 2 3 4 5, सिमिलर सेट हमने लिया है, एंड आर इक्वल टू ए बी, किस तरह से ए बी सच दैट ए डॉट बी इज ग्रेटर देन 0। इन सभी ए क्रॉस ए डॉट बी में से अगर मैं इसमें से कोई भी दो प्रोडक्ट ले लेता हूं, जैसे 1.2, 1 और 2 का मल्टीप्लिकेशन कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। 1 और 3 का कितना आ रहा है? 3 आ रहा है। 1 और 5 का कितना आ रहा है? 5 आ रहा है। 2 और 5 का कितना आ रहा है? 10 आ रहा है। मतलब इसमें भी 25 रिलेशंस बनेंगे, लेकिन हर एक रिलेशन के अंदर अगर मैं चेक करता हूं तो इन सभी में जो हमारा रिलेशन है वो फॉलो होना ही होना है, बिल्कुल होना है। कैसे होगा जी? ए डॉट बी इज ग्रेटर देन 0, प्रत्येक कंडीशन में जो ए और बी का जो प्रोडक्ट है वो 0 से बड़ा है। यस और नो? यस। आगे देखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा हमारा यूनिवर्सल रिलेशन। अब यार थ्री काइंड्स ऑफ द यूनिवर्सल रिलेशन कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट इज रिफ्लेक्सिव, सेकंड वन इज सिमेट्रिक, थर्ड वन इज ट्रांजिटिव। द होल एक्सरसाइज टू बेस्ड ऑन द थ्री काइंड्स ऑफ द रिलेशन। रिफ्लेक्सिव कहता है कि ए डॉट ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। अगर आप कोई भी एक कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस ए लेते हैं और उसमें सपोज आपने इसी सेट की बात कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 की बात कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 की बात कर लेते हैं, यहां पर देखिए मैं आपको थोड़ा समझा देता हूं। अगर आप 1 2 3 4 5 की बात कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 हमारे पास एक सेट है और हम इस पर ए क्रॉस ए लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5, 1 का 1 से 1 का 2 से 1 का 3 से 1 का 4 से 1 का 5, ऐसे ही फिर 2 1 2 2, ऐसे चलेगा, ऐसे 3 1 और लास्ट में बीच में आएगा 3 3 आएगा, फिर 4 4 और फिर 5 5,
तो देखिए क्या इसके रिलेशंस के अंदर सिमिलर नंबर के दो एलिमेंट्स नहीं आ रहे, ए और बी के प्लेस पर ए ए बी नहीं आ रहा है, बी और बी के सेकंड वाले में बी भी नहीं आ रहा है, 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, 5 आ रहा है, इन 25 सेट्स के अंदर से ये एलिमेंट्स हमें एज यूजुअल मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहां पर हमें दिखाई पड़ रहा है कि 1 ये हमारा 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 इनके पार्टिकुलर प्रोडक्ट के अंदर से मिलेंगे। इसका मींस क्या होगा, ये हमारा रेफ्लेक्सिव होंगे, सिमिलर फॉर्म के भी होते हैं तो वो रेफ्लेक्सिव के केस में। अगला देखिए सिमेट्री कहता है ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कॉमा ए आल्सो सॉरी ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, दिस इंप्लाइज होता है कि अगर ऐसा हो रहा है तो ऐसा भी होना चाहिए। अगर ए और बी बिलोंग करते हैं आर के अंदर तो बी और ए भी आर के अंदर बिलोंग करेंगे, ऐसा होना चाहिए। देखिए मैंने भी आपको दिखाया 1 1 आया फिर 1 2 आया, अगर 1 2 आया तो मतलब 2 से शुरू करेंगे, 2 1 आया तो 2 1 और 1 2 ये क्या इसमें लाइक करते हैं 1 2 और 2 लाइक करते हैं। अगले बार 3 और 3 1 में लाइक करेंगे, ऑब्वियस करेंगे क्योंकि 25 पेयर के अंदर ये भी हमारा एक पेयर है। ठीक है, तो ये हमारा सिमेट्रिक हो गया। अगला आता है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव क्या होता है कि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, जैसे सपोज करिए ए और बी बिलोंग्स टू आर और बी और सी भी बिलोंग करते हैं आर में, तो फिर ए और सी भी बिलोंग करेंगे आर में, ऐसा ये ट्रांजिटिव कहता है कि अगर ए और बी आर में बिलोंग करते हैं, बी और सी आर में बिलोंग करते हैं, तो फिर ए और सी को भी आर में बिलोंग करना होगा, तभी जाकर ट्रांजिटिव होगा, अदरवाइज ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो फिर से हमारा एग्जांपल वही है 1 2 3 4 5, हमने आर को ले लिया 1 2 और 2 3। अब इसकी शर्त क्या होगी है, जो इसके जो सेकंड वाला जो पेयर का जो नंबर होता है, फर्स्ट वाले का सेकंड और सेकंड वाले का फर्स्ट, ये दोनों एक जैसे होने चाहिए। इन दोनों को छोड़कर जो बचेगा वो बचना चाहिए। तो देखो बी को हमने छोड़ दिया तो ए और सी बचना चाहिए। अब देखो यहाँ पर 1 2 था इस पेयर में, 1 2 था, 2 3 भी था इसमें, 25 में था 2 3। अब अगर हम 1 2 और 2 3 को में से 2 को राउंड कर दें तो क्या बचता है, 1 3 बचता है, तो क्या 1 3 भी इसके अंदर ऑलरेडी है, तो इसका मींस क्या हो गया, ये हमारा ट्रांजिटिव होगा। यानी कि कोई एक पेयर में ए और बी हो और बी और सी हो, अगर ऐसा होता है तो जो बाकी हमारा जो दोनों बी वाले जो कॉमन को हटाने के बाद जो पहला लास्ट बचता है फर्स्ट लास्ट, वो अगर इसके अंदर सेट में हमें मिल जाए तो हमारा ट्रांजिटिव होता है। क्लियर अप टू हियर? द नेक्स्ट पार्ट इज दैट डी पार्ट इक्विवेलेंस रिलेशन। बहुत ही सिंपल है लेकिन थोड़ा सा हार्ड पड़ता है इसको सॉल्व करने में बच्चों को, हार्ड कुछ नहीं क्योंकि इन तीनों का कॉम्बिनेशन ही इक्विवेलेंस कहलाता है। देखिए इन विच ऑल थ्री कंडीशंस लाइक, जिसके अंदर ये तीनों कंडीशंस लाइक होती है, यानी वो रिफ्लेक्सिव भी हो, वो सिमेट्रिक भी हो और वो ट्रांजिटिव भी हो, अगर ऐसी तीनों कंडीशंस फॉलो होती हैं तो ये हमारा रिलेशन क्या कहलाता है, इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाता है। कैसे कहलाता है, इक्विवेलेंस रिलेशन। अब इक्विवेलेंस का एक एग्जांपल समझा लेते हैं जिसके भी आप उसको अच्छे से समझ लेंगे। एग्जाम्पल है अगेन द सेट ए 1 2 3 4 5 वी हैव टेकन, सॉरी दिस वन इज नॉट हियर, आर इक्वल टू ए बी, एक हमने एक रिलेशन लिया ए और बी के बीच में, कैसा है कि ए एंड बी आर आइदर कांस्टेंट और द मॉड्यूलस। अब इसने कहा आइदर कांस्टेंट क्या होता है, या तो ये कांस्टेंट हो या फिर मॉड्यूलस, कांस्टेंट फंक्शन भी हो सकते हैं मॉड्यूलस भी हो सकते हैं। तो हमने पहले आपको बताया कि अगर हम सपोज करिए कि पूरी एलजेब्रिक टर्म में से केवल कौन सा वेरिएबल्स लेते हैं, ए ए हो सकता है, बी बी हो सकता है, पॉसिबल है, तो क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव हुआ। अब हमने कहा कि एक वेरिएबल है एक कांस्टेंट है, फिर एक कांस्टेंट है एक वेरिएबल है, क्योंकि कार्टेशियन प्रोडक्ट मिल सकता है, तो ये भी पॉसिबल है। अब देखिए पी और क्यू के एग्जांपल समझा रहा हूं आपको। पी एंड क्यू, पी एक क्या है आपका बॉबल है, क्यू भी आपका एक बॉबल है, यहाँ पी आपका बॉबल है लेकिन ई कॉन्स्टेंट है, ठीक, सॉरी बैठा बोल गया, दोबारा करता हूँ, पी हमारा यहाँ पर बॉबल है सॉरी कॉन्स्टेंट है, क्यू भी कॉन्स्टेंट है, पी भी कॉन्स्टेंट है और ई हमारा बॉबल है। अब अगर हम यहाँ देखें तो इन दोनों में से पी एंड पी रिलेट करा रहे हैं आपस में, तो हमारा क्या बचेगा, पी और ई, पी और ई हमारा कॉमन नंबर बचता है, तो पी और ई क्या हुआ हमारा, ये ट्रांजिटिव केस में चला जाएगा। तो हमारे पास आपका रिफ्लेक्सिव भी हो गया, ट्रांजिटिव भी हो गया,
सिमेट्रिक भी हो गया और ट्रांजिटिव भी हो गया। जब ये तीनों कंडीशन लाइक होती हैं तो ये क्या कहलाता है हमारा, ये हमारा इक्विवेलेंस रेशियो कहलाता है। स्टूडेंट्स इन द नेक्स्ट टॉपिक वी विल डिस्कस अबाउट द फंक्शंस, देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ द फंक्शंस, 1 1 ऑन 2 एंड द 1 1 एंड ऑन 2। 1 1 इंजेक्टिव के नाम से जाना जाता है, ऑन 2 सब्जेक्टिव के नाम से जाना जाता है, एंड 1 1 एंड ऑन 2 जब दोनों मिल जाते हैं तो उसको बायजेक्टिव के नाम से जाना जाता है।